हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी है आलू भुजिया की नमकीन। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आलू भुजिया की नमकीन रेसिपी लेकर आएँ, इसलिए आज हम लेके आए हैं आलू भुजिया की नमकीन रेसिपी। इसके लिए हमने आलू लिया है जिसको हमने 3 से 4 घंटे पहले ही बॉईल कर लिया था। उसके बाद हमने अब इसको मैश किया है। आप इसको ग्राइंडर से भी मैश कर सकते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक ऐड करेंगे, चाट मसाला भी साथ में ऐड करेंगे। और इसी के साथ में इसमें काला नमक ऐड करना है, अमचूर पाउडर भी ऐड कर लेंगे। बिल्कुल हल्दीराम के जैसा टेस्ट आने वाला है इसमें। ये देखिए, इसमें ये हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हल्दी कलर के लिए, ताकि इसमें अच्छा कलर आ जाए। आप चाहें तो हल्दी स्किप करके इसमें कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मिलाना है बेसन। आपको अपने आलू के अकॉर्डिंग बेसन मिलाना है। जैसे कि आपने 4 आलू लिए तो उसमें 2 कप बेसन लगेगा, ऐसे यहाँ पे हमने आलू ज़्यादा लिया है तो बेसन भी हमें ज़्यादा लेना था। और अब इस सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसमें साथ ही में हमको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, जो कि है ऑयल। इसमें ऑयल भी हमें डालना है, अभी नहीं, पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऑयल कर लगाएंगे ताकि नमकीन थोड़ी अच्छी बने। ऑयल लगाने से क्या होगा कि नमकीन में कुरकुरापन ज़्यादा रहेगा और इस आलू भुजिया का टेस्ट बिल्कुल हल्दीराम वाली आलू भुजिया के टेस्ट की तरह होने वाला है। आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल पर ऐसे ही नए नए वीडियो आते रहेंगे। और आप जिस चीज़ का भी वीडियो चाहते हो कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, मैं अगली वीडियो उसी चीज़ पर लेके आ जाऊँगी। और अगर आपको लगता है कि इसमें आलू में बेसन थोड़ा कम रहा है तो आप इसको बेसन को थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे ऑयल लिया है। और आपको ऐसा नहीं है कि ऑयल ज़्यादा लेना है, आपको ऑयल थोड़ा ही लेना है। 2 से 3 टीस्पून ऑयल लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सरसों का ऑयल गर्म हो रहा है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं नमकीन को, या सरसों के ऑयल में। यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल सही लगा था, हमने सरसों के ऑयल में नमकीन को बनाना चाहा। आप जो भी ऑयल चाहें आप उस ऑयल में अपनी नमकीन बना सकते हैं। और यहाँ पे हम किसी मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास मशीन नहीं होती है, इसलिए हम बिना मशीन के इससे अपनी नमकीन को बनाएंगे, जिससे ये तो हर किसी के घर में होती ही है। और आज हम इससे नमकीन बनाएंगे। इसको हमने उल्टा रखा और इसके ऊपर इस तरीके से डाल लगाते जाएंगे और वो नीचे गिरती जाएगी। और इसी तरीके से हमें पूरी नमकीन इसी तरीके से हम बनाएंगे।
और आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये नमकीन रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारी नमकीन में कितना प्यारा कलर आ रहा है। और इसी तरीके से हमें फिर से बनानी है। जैसे कि ये बुलबुले जो इसमें दिख रहे हैं ना, ये थोड़ा कम हो जाते हैं, वैसे ही हम समझ जाएंगे कि हमारी नमकीन पक गई है और इसको निकाल लेंगे। एक बार इसको चाहें तो पलट लें आप, वैसे तो ये पक गई है। थोड़ा सा और क्रिस्पी करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा, आप चाहें तो इसका कलर लाल हो सक चाहें तो लाल कर सकते हैं, पर फिर ज़्यादा अच्छा कलर नहीं दिखता है, इसलिए आपको अभी इसको निकाल लेना है। इसमें जैसे कि ये ऑयल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल में बुलबुले कम हो चुके हैं और यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे और एक कटोरी में मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर नाश्ते में खुद भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है।